हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 23rd पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मंकी किंग तलवार को लेकर गुआन के पास जा रहा है और यहीं डाई शीटियान डार्क सोल से सूत्रा को वापस लाने को बोलता है। उधर जेंग और उसके साथी मौत की घाटी में आराम कर रहे हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज एक बार फिर उन पर अटैक कर देते हैं, जिनका टारगेट उजी के रूप में वो सूत्रा है। हजारों ज़ॉम्बीज घाटी से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं और जेंग कहता है कि हम पहले भी इन ज़ॉम्बीज से लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार तो ये और भी अग्रेसिव लग रहे हैं और मुझे डर है कि ये सब डार्क एनर्जी की वजह से है। फिर वो अलग अलग होकर उन्हें रोकने में लग जाते हैं और जेंग उन्हें बताता है कि ये लोग उजी को टारगेट कर रहे हैं और हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। बाइलेंग उन्हें रोकने के लिए अपनी ड्रैगन स्पिरिट एक्टिवेट करता है, लेकिन वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो ज़ॉम्बीज उजी को घेरना शुरू कर देते हैं और जेंग और बाइलेंग भी उनके बीच फंस जाते हैं। तब ओजू अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ॉम्बीज की धज्जियां उड़ा देती है। जेंग भी उसकी नई पावर को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर वो सैंडी को कुछ इशारा करता है और वो अपनी रेत की पावर से वहाँ एक सैंड स्ट्रॉम ले आता है, जो उन ज़ॉम्बीज को कुछ देर के लिए रोक लेता है। ओजू देखता है कि सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ने में बिजी हैं और यही मौका है जब वो उजी को किडनैप कर सकता है। ये सोचकर वो उजी की ओर जाता है और इधर सैंड स्ट्रॉम की पावर भी कम होने लगती है। जेंग देखता है कि घाटी से ज़ॉम्बीज का आना बिल्कुल कम नहीं हुआ और तभी बाइलेंग से उसे उजी के गायब होने का पता चलता है। बाजी कहता है कि ओजू का भी कहीं अता पता नहीं है और जेंग समझ जाता है कि ये सब ओजू का ही काम है। वो उन्हें सब कुछ छोड़कर उसका पीछा करने को कहता है और वो लोग मौत की घाटी की ओर भागने लगते हैं। इधर ओजू भागते हुए खुली जगह पर आता है और सोचता है कि आज उसने बहुत बहादुरी का काम किया है और जेंग को ये सबक हमेशा याद रहेगा। फिर वो नाजिया को बुलाने के लिए एक सिग्नल छोड़ता है और हम उसे अपने लेजेंडरी ड्रैगन रूप में नीचे आते हुए देखते हैं। वो ओजू से कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई गुड न्यूज होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ओजू उसे बताता है कि मैंने आपकी विश को पूरा कर दिया है और ये सुनकर नाजिया अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो ओजू के काम से बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तुमसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओजू भी उजी की ओर इशारा करता है कि ड्रैगन रूप में यही वो सूत्रा है और कहता है कि अब तुम मेरी ऑलिंग को मुझे वापस कर सकते हो। नाजिया एक मिनट के लिए उजी को घूरता है और पूछता है कि आखिर वो सब लोग कहाँ हैं जो इस सूत्रा की रक्षा कर रहे थे। इस पर ओजू उसे बताता है कि वो सब तो ज़ॉम्बी से लड़ने में बिजी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अपने प्लान की भनक तक नहीं लगने दी। ये सुनकर नाजिया उजी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ओजू उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि पहले तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। नाजिया उसे समझाता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और ओलिंग जहाँ भी है एकदम सही सलामत है। ये कहकर वो एक बार फिर उजी की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाए, ओजू उसे उठाकर दूर ले जाता है। वो उसे वॉर्न करता है कि अगर उसे ओलिंग अभी नहीं मिली तो वो उजी को नीचे घाटी में फेंक देगा, जहाँ से उसका बाहर आना इम्पोसिबल है। नाजिया को उसकी हरकत पर बहुत हंसी आती है और वो उसे बिना सवाल किए अपनी बात मानने को कहता है और साथ ही वॉर्न करता है कि मेरे साथ चाल चलने की सोचना भी मत। फिर वो उजी को गले से पकड़ लेता है और बताता है कि अब मैं अपनी बॉडी को हील कर सकता हूँ, ताकि वो इस मॉडल वर्ल्ड में दोबारा आ सके। ये कहकर वो सूत्रा की पावर को निगलना शुरू करता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो रेत का बना हुआ एक नकली पुतला है। ओजू भी समझ जाता है कि ये सब सैंडी का किया धरा है और उसने स्टॉर्म का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बना दिया है। तभी वो देखता है कि नाजिया बहुत गुस्से में है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन नाजिया उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और कहता है कि शायद तुम्हें ओलिंग की लाइफ से कोई प्यार नहीं है, जिसे मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ। ओजू उसे खुद को एक और मौका देने को कहता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन्हें ढूंढता हुआ जेंग वहाँ आ गया है। वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और ओजू से कहता है कि अब तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारी जगह मैं इससे निपट लूंगा। नाजिया जेंग से कहता है कि तुम जैसे मोटर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जेंग जवाब देता है कि तुम जैसे बूढ़े आदमी को भी ये सब करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही हम एक रेड बीटल को उड़ते हुए देखते हैं
जो छुपते हुए सीधा नाजिया पर जा बैठता है, लेकिन वो इसे नोटिस नहीं कर पाता और रोज उसे अपनी वफादारी साबित करने को कहता है। तब बोजु जैंग को समझाता है कि नाजिया की ताकत का सामना नहीं किया जा सकता और तुम्हें यहाँ हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाजिया कहता है कि मैं भी अर्थ पर काफी टाइम से नहीं आया और आज इन कीड़ों की लड़ाई देखकर बहुत मजा आने वाला है। उधर जैंग ओजु से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन किसी एक को बचाने के लिए तुम किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। ओजु ये सुनकर हंसने लगता है और पूछता है कि अगर ऐसा है तो 16 साल तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा था। जैंग उसे बताता है कि वो तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन ओजु को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए उसे ही जिम्मेदार बताता है। वो कहता है कि गलती करना तो हम जैसे लोगों का काम है और तुम तो अपनी नजरों में हमेशा ही सही होते हो। ये कहकर वो पीछे से उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन जैंग एक ही पंच में उसे दूर गिरा देता है। फिर हम इसी तरह उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं और तभी वहाँ जैंग के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो छुपकर उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जैंग और ओजु के बीच नकली लड़ाई चल रही है और ये सब उन्होंने नाजिया को फंसाने का प्लान बनाया है। नाजिया भी इसे एक असली लड़ाई समझकर रिलैक्स हो जाता है और तभी अचानक एक रेत का तूफान उसे घेर लेता है। आगे का सीन हेवन की फ्लोटिंग प्रिजन का है, जहां डाई शीटियान ने शीगुओ को कैद किया हुआ है, क्योंकि उसने भागने में रूलाई की मदद की थी। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो देखता है कि ये नॉर्थ गेट का जनरल पीशा मैंटियान है। पीशा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें रूलाई की मदद करके क्या हासिल हुआ, और तब शीगुओ उसे बताता है कि मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि डाई शीटियान अब पहले से बहुत बदल गया है। पीशा उससे इसका मतलब पूछता है और शीगुओ कहता है कि हेवन में डार्क पावर्स की ताकत बढ़ती जा रही है और जल्दी ही वो इसे पूरी तरह कब्जे में ले लेगी। पीशा ये सुनकर चौंक जाता है और शीगुओ कहता है कि काश मैंने इसे पहले ही रोक लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। पीशा को लगता है कि शायद वो इसे रोकने का तरीका भी जानता है, वरना यू रूलाई के लिए अपनी जान मुसीबत में कभी नहीं डालता। शीगुओ भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि इन सब को बस रूलाई ही रोक सकता है। पीशा उसे ये तरीका खुद को भी बताने को बोलता है ताकि वो भी इस काम में उनकी मदद कर सके, लेकिन शीगुओ इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ये राज वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। पीशा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहकर चला जाता है कि इस तरह तो डाई शीटियान तुम्हें जल्दी ही मार डालेगा। यहाँ शीगुओ अपना और डाई शीटियान का एक फ्लैशबैक देखता है, जो उस वक्त का है जब हेवन और असुरों में लड़ाई छिड़ी हुई थी। डाई शीटियान का सामना लुओ हाउ से होता है, लेकिन शीगुओ बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है और डाई शीटियान कहता है कि मुझे असुरों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए था। तभी असुर सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं और डाई शीटियान के बोलने के बावजूद शीगुओ उसे छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और वो दोनों एक साथ लड़ने का फैसला करते हैं। प्रेजेंट में भी शीगुओ यही सोचकर परेशान था कि एक टाइम पर डाई शीटियान उनके लिए मरने को भी तैयार था, तो फिर अब अचानक उसे क्या हो गया है। वो कसम खाता है कि मैं इस बदलाव के कारण को जानकर ही रहूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।